पवन जी, प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से प्रेरित होकर आप बीजेपी में गए हैं, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहना चाहते हैं पवन सिंह जी? मुलाकात होगी या फिर कोई बात, या अमित शाह साहब से क्या बात होगी? हमारी मुलाकात हो चुकी है और अभी जो मैं ज्वाइन किया तो अमित शाह जी से मिला, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा विचार है और हमारे देश का विकास हो, हमारे देश के जो भी मतलब जनसंख्या है, जो भी ये है, शहर तो शहर है ये है, गांव भी मेरा शहर बन रहा है और चोरी हो गई, लूटपाट हो गई, ये सब हमारे देश से ख़त्म हो रहा है और ये मोदी जी के कारण हो रहा है। मैं तो एक ही बात बोला कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उसी कदम में कदम मिला के चलूँ और हमारे देश के मुख्यमंत्री सॉरी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, जब से हमारा देश का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है और विकास होता रहे, यही दिल से शुभकामना है। ये बात माना कि पवन जी को कोई पद की लालच नहीं है, लेकिन फिर भी अगर टिकट मिला तो इलेक्शन लड़ेंगे? टिकट अगर ऑफर किया बीजेपी आने वाले चुनाव में, अगर टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? वक्त बताएगा, अभी तो मैं अपने एक्टिंग में बिजी हूँ, सिंगिंग में बिजी हूँ और अभी हमार रिलीज भइल है नवरात्रि के एल्बम माई के चुनरी चढ़ौनी देवी गीत, बहुत ही अच्छा गाना बा, आप लोग भी जरूर सुनी जा।